बहुत खुशी हो रही है, मेरे को उम्मीद नहीं था कि मेरा फ़ोन मिलेगा 1% भी नहीं, बट थैंक यू सबको कि मेरा फ़ोन मेरे को मिला दिया। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। गाड़ी था सर, 1.25 लाख की गाड़ी थी। काफ़ी खुश होंगे? बहुत खुश हैं सर। मुजफ्फरपुर पुलिस की अनोखी पहल शहरवासियों का दिल जीत लिया है। दरअसल शुक्रवार को एसएसपी कार्यालय परिसर में ऑपरेशन मुस्कान के तहत चोरी हुई 70 मोबाइल और 6 बाइक को बरामद करके उसके मालिकों को सौंपा गया। इस दौरान अपनी चोरी हुई सामान की वापसी पर लोगों की आंखों से खुशी के आंसू झलक पड़े। वहीं ऑपरेशन मुस्कान के तहत करीब 6 दर्जन लोगों को चोरी के मोबाइल लौटाए गए, साथ ही आधा दर्जन लोगों को चोरी व लूट की गई बाइक भी सौंपी गई। और अब इसको लेकर के लोगों में काफी खुशी दिख रही थी, लोगों ने पुलिस को धन्यवाद दिया। दरअसल आपको बता दें कि बिहार में ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस खोए और चोरी हुए मोबाइल को बरामद कर उसके असली हकदारों को सौंप रही है। इसी अभियान के तहत मुजफ्फरपुर पुलिस ने जिले के विभिन्न थाना क्षेत्रों में छापेमारी कर 70 मोबाइल बरामद किया है, साथ ही आधा दर्जन चोरी और लूटी गई मोटरसाइकिल को भी बरामद किया है। सत्यापन के उपरांत सभी मोबाइल और बाइक को उसके मालिक को सौंप दिया गया। सभी को पुलिस ने फोन के माध्यम से सूचना दी। सभी को एसएसपी कार्यालय में बुलाया गया, जांच उपरांत सभी को उनका मोबाइल और बाइक सौंप दिया गया। बहुत खुशी हो रही है, मेरे को उम्मीद नहीं था कि मेरा फ़ोन मिलेगा 1% भी नहीं, बट थैंक यू सबको कि मेरा फ़ोन मेरे को मिला दिया। हाँ, बैग से निकाल दिया गया था। हाँ, 2 महीने पहले, अप्रैल में, लास्ट अप्रैल को। बहुत अच्छी है, लेकिन मेरे को उम्मीद नहीं था, बता रहे 1% भी मेरे को उम्मीद नहीं था कि मेरा फ़ोन मेरे को वापस आएगा, क्योंकि मेरे को थाने में भी ये बोल दिया गया था कि हाँ फ़ोन कंप्लेन कर रहे हैं, बट उम्मीद कम ही रहता है, फ़ोन तो मिलता नहीं है। बट कल सडनली मेरे को कॉल गया था कि आपका फ़ोन आ गया हुआ है। मेरे को लगा कि हाँ मेरे साथ प्रैंक हो रहा है, बट कंफर्म हो गया कि 2-3 बार मैंने कॉल करके फिर पूछा कि सच में मेरा फ़ोन आया, तो उन्होंने बोला कि हाँ आपका फ़ोन। निशा भारती हैं सीतामढ़ी से, बट यहाँ रहते हैं स्टडी के लिए। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। गाड़ी था सर, 1.25 लाख की गाड़ी थी। 1.25 लाख काफ़ी खुश होंगे? बहुत खुश हैं सर। किसको धन्यवाद देना चाहेंगे? मैं मुजफ्फरपुर पूरे अपने सरैया थाना मुजफ्फरपुर पुलिस को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। इनके द्वारा दिया गया चाबी सर, सीनियर एसपी सर। कैसे सूचना मिली सर आपकी गाड़ी मिल गई? सर सरैया थाना की सूचना मिली। जी सर। क्या नाम हुआ आपका? मिस्टर सिकंदर कुमार। घर औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट सर। यहाँ पे मैं उत्कर्ष फैलेस बैंक में काम करता हूँ सर। कब गायब हुआ? कहाँ से गायब हुआ? बहुत खुश हैं। क्या नाम हुआ? कहाँ पर? कब? 5 महीने में 7 तारीख। हाँ,
उसके बाद क्या किए आप? तो उसके बाद फोन गया यहाँ से, क्या बोला गया? आज क्या क्या मिला आपको? मिला मोबाइल, मिला है। क्या कहेंगे, उम्मीद था कि मिलेगा वापस। कौन गाड़ी था? क्या नाम हुआ आपका? घर कहाँ हुआ? आज मोबाइल वितरण किया जा रहा है, चोरी हुआ मोबाइल से। ऑपरेशन मुस्कान के अंतर्गत 70 मोबाइल बरामद किए गए हैं, जो लोगों के कई जगह गुम हो गए थे, खो गए थे या गुमशुदा थे, इनकी सनहा एंट्रीज थी। उन सारे मोबाइल को जो उनके धारक हैं आज विस्तृत किया जा रहा है। ऐसे कुल 70 मोबाइल आज डिस्ट्रीब्यूट किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त 6 बाइक भी हैं, उनका भी वितरण उनके जो स्वामी हैं उनको किया जा रहा है। और ये पहल जो है जिला पुलिस की तरफ से निरंतर चलती रहेगी, और हम लोगों का प्रयास रहेगा कि हर माह में एक ऐसा कार्यक्रम आयोजित करके लोगों के जो खोए हुए मोबाइल हैं या गाड़ियां हैं उनको हम लोग वापस कर सकें। इसके लिए DIU की टीम लगातार काम कर रही थी। DIU में चूंकि कई ऑफिसर हैं, उसके लिए डेडिकेटेड ऑफिसर लगाए गए थे, और जो DIU प्रभारी हैं इंस्पेक्टर सुजाउद्दीन, उनके नेतृत्व में पूरी टीम काम। अपराधियों की भी गिरफ्तारी? नहीं, इसके अंतर्गत जो मोबाइल गुमशुदा है जिनकी स्टेशन डायरी एंट्रीज है उनका डिस्ट्रीब्यूशन किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त जो मोबाइल छीने गए या लूटे गए हैं जिनके ऊपर FIR दर्ज है उनके लिए अलग से माननीय न्यायालय से अनुमति प्राप्त करके कार्यक्रम है। कितने लोगों को सर्च किया गया? 70 लोगों को मोबाइल और 6 लोगों को उनकी बाइक उपलब्ध है। लोगों को क्या फीडबैक आ रहा है? ब्रजेश कुमार, लोगों का फीडबैक अच्छा है और ये आप लोग और बेहतर तरीके से बता सकते हैं, बट यहाँ जो लोग लेने आए हैं तो निश्चित रूप से संतुष्ट हैं, खुश हैं और उनको अच्छा लग रहा है कि वो लोग उम्मीद छोड़ चुके थे बट उनका मोबाइल आज उनको वापस मिल रहा है। नहीं, मुजफ्फरपुर जिले के अंतर्गत विभिन्न थानों के हैं जो मोबाइल उनका वितरण। अब तो ऐप भी डेवलप कर गया सर कि मोबाइल का उपयोग नहीं कर पाएंगे। हाँ, और जी और इसके अतिरिक्त हम लोग एक और प्रारंभ करने जा रहे हैं आज से। एक मोबाइल नंबर है जिस पर व्हाट्सएप की सुविधा रहेगी। कई बार लोगों को ऐसी शिकायतें आती हैं कि वो थाने पर जाते हैं मोबाइल गुमशुदगी की सनहा दर्ज कराने के लिए, तो थाने पर उनको अब सहयोग नहीं मिलता है। तो वैसे तो थाना अध्यक्षों को उसमें निर्देशित किया ही जा रहा है, इसके अतिरिक्त एक मोबाइल नंबर भी हम लोग जारी कर रहे हैं। तो जिस व्यक्ति का भी मोबाइल अगर कहीं गुम हो जाता है तो वो व्यक्ति चाहे तो उस मोबाइल नंबर पे एक एप्लीकेशन टाइप करके अपना व्हाट्सअप कर सकते हैं, तो हम लोग उसको संज्ञान में लेंगे और उनके मोबाइल को नंबर शेयर कर दीजिए। वो नंबर आप लोगों को शाम तक सूचित कर दिया जाएगा, नंबर अभी आवंटित नहीं हुआ है बट देर शाम तक आ जाएगा और आप सभी के माध्यम से वो नंबर जो है पब्लिक तक पहुँचाएगा।